दोस्तों सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े ही उच्च श्रेणी के भक्त थे। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। सूरदास जी और भगवान कृष्ण के किस्से कई कथाओं में वर्णित किए गए हैं। सूरदास जी वृंदावन में रहते थे और हरि कीर्तन किया करते थे। वर्तमान में श्री नाथ जी जो कि नाथ द्वारा में मंदिर है, पहले वो मंदिर वृंदावन में हुआ करता था। यह मंदिर गोवर्धन पर्वत पर स्थित था, लेकिन फिर विट्ठल महाराज उस मंदिर को नाथ द्वारा लेकर आ गए। विट्ठल जी भगवान के पुजारी थे और इनके पिताजी का नाम श्री बल्लवाचार्य जी था। विट्ठल जी भगवान की भक्ति किया करते और बड़े ही प्रेम से भगवान का श्रृंगार किया करते थे। विट्ठल जी प्रेम से भगवान को काजल लगाते, उनको वस्त्र पहनाते, उनको नहलाते। सूरदास जी महाराज हमेशा उस मंदिर पर जाया करते थे। सूरदास जी उस मंदिर पर जाकर हमेशा हरि कीर्तन किया करते और पद गाते। सूरदास जी ने 125,000 पद गाने और रचने का संकल्प लिया था। भक्त सूरदास जी अंधे होते हुए भी हमेशा हरि के श्रृंगार को अपने पद में वर्णन करते थे। आज भगवान ने पीले वस्त्र पहने हैं, आज भगवान ने कौन सी माला पहनी है, आज भगवान को कौन सा तिलक लगा है, इन सभी को सूरदास जी अपने पद में गाते थे। सूरदास जी का हमेशा हमेशा आना और आकर हरि श्रृंगार का सटीक वर्णन को देखकर महाराज विट्ठल जी हैरान हुए। उनको ज्ञात था कि सूरदास जी तो अंधे हैं, लेकिन इनको मालूम कैसे पड़ता है कि भगवान का कौन सा श्रृंगार हुआ है, इनको तो कोई बताता ही नहीं है। विट्ठल जी ने सूरदास की परीक्षा लेनी चाहिए। अगले दिन विट्ठल जी ने भगवान के आगे पर्दा कर दिया और सारे कपड़े उतार दिए। अब विट्ठल जी ने पूछा, आज हरि ने क्या पहना है? तब सूरदास जी एक पद गाते हैं। सूरदास जी गाते हैं, आज दिखे हरि नंगम नंगा, आज दिखे हरि नंगम नंगा। तब विट्ठल जी ने समझ लिया कि ये बाबा कोई आम बाबा नहीं है। सूरदास जी की इस लघु पौराणिक कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान को देखने के लिए हमारे भौतिक नेत्र ही काफी नहीं हैं, उनको देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। दोस्तों सूरदास जी ने 125,000 पदों को लिखने का संकल्प ले रखा था। ऐसा वर्णित है कि सूरदास जी अपने इस संकल्प को पूरा नहीं कर पाए थे, तो स्वयं भगवान ने शेष पदों की रचना की थी। एक बार दिल्ली के महाराजा भगवान सूरदास जी के पदों से बड़े ही प्रभावित हुए, तो राजा ने घोषणा की कि जो भी मुझे सूरदास जी के पद लाकर देगा उनको मैं स्वर्ण मुद्रा दूंगा। राजा की घोषणा के बाद बहुत से लोगों ने सूरदास जी के पदों को प्रतिलिपि करना शुरू कर दिया। सूरदास जी ने अभी केवल 75,000 पद ही लिखे थे कि इधर इस घोषणा के बाद 250,000 पद लिखे गए। अब राजा भ्रमित हो गए, उनको मालूम नहीं पड़ रहा था कि कौन से असली हैं और कौन से नकली। फिर सारे भोज पत्र जिनके ऊपर पद लिखे गए थे उनको यमुना जी में प्रवाहित कर दिया गया। अब जो भी नकली थे वो सारे के सारे यमुना जी में डूब गए और जो पद स्वयं सूरदास जी ने लिखे थे वो यमुना जी में तैर रहे थे। तो ये था सच्चे भक्त पर भगवान की असीम कृपा। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या सूरदास जी को कभी भगवान मिले थे? इसके ऊपर भी एक लघु कथा है। एक बार सूरदास जी किसी भजन कीर्तन में जाने के लिए किसी रास्ते से होकर जा रहे थे। सूरदास जी तो अंधे थे, लेकिन अंदाजा से अपनी लाठी से वह जा रहे थे। तभी अचानक हवा पलटी और सूरदास जी रास्ता भटक गए और एक कुएं में गिर गए और लटक गए। अब सूरदास जी ने कुएं में ही कीर्तन करना शुरू कर दिया। सूरदास जी की सरलता को देखकर भगवान एक बालक का रूप लेकर आए और सूरदास जी को कहा, बाबा आप मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी समझ गए, आ गए मेरे गिरधर गोपाल। सूरदास जी कहते हैं, मैं तो अंधा हूँ, मुझे आपका हाथ कहाँ दिखेगा, लेकिन आपको तो मेरा हाथ पता है, तो आप ही मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अब सूरदास जी को भगवान ने पकड़ लिया और सूरदास जी को बाहर लेकर आ गए। अब सूरदास जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो बाबा। सूरदास जी ने कहा, भगवान बड़ी मुश्किल से तो आप मिले हैं, आपको कैसे छोड़ दूं? अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। भगवान जैसे ही हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो वहाँ श्रीमती राधा रानी जी प्रकट हो गई। सूरदास जी ने माता को पहचान लिया। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी को रोकने लगे कि मत जाओ, बाबा पकड़ लेंगे, मत जाओ। सूरदास जी ने श्री राधा रानी के पैर पकड़ लिए और उनके हाथ में उनकी
पायल आ गई। तब श्रीमती राधा रानी सूरदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उनको आंखें लौटा दी। सूरदास जी ने जी भर कर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को देखा और फिर सूरदास जी ने भगवान से कहा, मुझे एक और वरदान दीजिए प्रभु, आप मुझे वापस अंधा कर दीजिए। अब मैंने आपको देख लिया, अब मुझे इस आंखों से और किसी को नहीं देखना है। तो दोस्तों, ऐसी थी सूरदास जी की भगवान के प्रति भक्ति भावना। सूरदास जी से जुड़ी एक और कथा है कि एक बार सूरदास जी खाना खा रहे थे। सूरदास जी का शिष्य खाना देकर कहीं बाहर चला गया। सूरदास जी ने कुछ कौर खाए तो उनके गले में अटक गया। अब सूरदास जी को पानी की जरूरत पड़ गई। पानी ला दो, पानी ला दो, अब पास में कोई हो तो लाए ना। अब मंदिर से भगवान स्वयं सोने की गिलास लेकर आए और सूरदास जी को पानी पिलाया। इतने में उनका चेला आ गया और कहा, गुरुजी हम आपको पानी देना तो भूल ही गए। सूरदास जी बोले, हमको तो पानी पिला दिया। सवेरे विट्ठल जी आए और बोले, अरे भगवान जी की सोने की गिलास चोरी हो गई। सूरदास जी ने कहा, पंडित जी लो, ये लो सोने की गिलास। सूरदास जी ने भगवान से कहा, अरे भगवान, मैंने तो आपको पानी के लिए भी परेशान कर दिया। और अंत में बात करते हैं सूरदास जी के अंतिम समय से जुड़ी लघु कथा के बारे में। फ्रेंड्स, सूरदास जी अपने अंतिम समय में वृंदावन में ही थे। अंत समय में सूरदास जी जमीन पर लेटे हुए थे। सूरदास जी के शिष्य आए और बोले कि बाबा जी आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे दुख हो रहा है कि वृंदावन को पीठ दिखा के जा रहा हूँ, मुझे उल्टा पेट के बल लिटा दो। शिष्यों ने सूरदास जी को पेट के बल लिटाया। तब सूरदास जी के मुँह में वृंदावन की मिट्टी गयी और सूरदास जी को सत्य गति प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, यह थी सूरदास जी की भक्ति और उनके जीवन से जुड़ी कुछ छोटी छोटी कथाएं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।